फुकरा भाई भाई मैंने आपका कैमरा वहां पे कनेक्ट कर दिया, कैमरा चले आए बैटरी के साथ, एकदम सब सीन सही हो गया। बस एक काम और कर दो। हाँ, शादी कर लो। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। गुड मॉर्निंग गाइस, हम उठ गए और आज वॉक करने नहीं गए क्योंकि आज निश्चय की बारी थी ब्लड टेस्ट की। मेरे पति देव हैं जिनको मौका चाहिए होता है पार्क ना जाने का, वॉक ना करने का। मैं तो पार्क के बिना रह ही नहीं सकता। तो फिर हफ्ता भर रूप से गए क्यों नहीं? रात को आया मेरे को, कह रहा है अभी मेरे को कुछ खिलाओ, मेरे को भूख लग रही है। मैंने कहा आज तो बिल्कुल कुछ नहीं खाना और सारी रात कुछ नहीं खाना, इसलिए तो जल्दी सो जाए ताकि तेरे को भूख ना लगे, क्योंकि 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है। तो बेचारा सो गया ऐसे ही, अब हो रहे हैं उसके टेस्ट। सुबह सुबह आंखें भी नहीं खुली और इतना सारा खून निकाल दिया। दबा के रखी, नहीं तो अभिषेक की तरह बहुत सारा निशान पड़ जाएगा। अभी कुछ नहीं होगा, बस टेप लगा दो, टेप वीकनेस हो जाएगी। अब तू जाके सो जा। बहुत सारा खून निकल गया। कुछ खाऊंगा भाई। बेचारा एक तो वैसे भूख लगी हुई है, ऊपर से इतना खून निकाल दिया। अभी मेरे को कुछ खिलाओ। हाँ। मैं चाय पी के आता हूँ। चलो इनको तो मौका चाहिए भाई। मुझे पता है कि तेरे टेस्ट क्यों हुए, मतलब तेरे क्यों, सबके ही हुए हैं। आपने बताया सबको? तू बताना, मैंने तो क्या ही बताया। गाइस तो मम्मी पापा की अच्छी हेल्थ के लिए हम जो है एक हेल्थ कैंप में जा रहे हैं हम सारे, तो इसीलिए ब्लड टेस्ट हुए हैं, क्योंकि वो हेल्थ कैंप पे वो देखेंगे कि हमारा ब्लड वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्लड में नहीं, मतलब पूरे शरीर में कोई दिक्कत कोई नहीं है, तो उसके लिए ये ब्लड टेस्ट हुआ है। इतना सारा खून निकाल लिया है और मूत्र विसर्जन भी हो गया है। पहली बार लाइफ में, मतलब जब से मेरे को याद है फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे ख्याल से मेरा मूत्र विसर्जन टेस्ट। हाँ हाँ, मेरे को तो पता भी नहीं था भाई कि यूरिन टेस्ट में, मतलब यूरिन टेस्ट में दो टेस्ट होते हैं, एक यूरिन टेस्ट जो नॉर्मल होता है, एक यूरिन कल्चर होता है। यूरिन कल्चर होता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। हाँ। और यूरिन के अंदर शुगर भी चेक करी जाती है। वही तो कह रही हूँ ना कि दो टेस्ट होते हैं। तो भाई ने मेरे को ऐसे चीजी पकड़ा दी। मैंने कहा इसका क्या करना है, कह रहा है इसमें मूत्र ले आओ अपना। मैंने कहा मतलब प्रोसेस क्या होता है भाई साहब, सुसु ऐसा कितना चाहिए होता है? मैं लिटरली पूछ रहा हूँ कितना चाहिए। मेरे को क्या पता उसमें कितना मूत्र विसर्जन चाहिए था। तो मैंने कहा भाई हाउ मच यूरिन यू वांट, फिर बाहर से आवाज आती है आधी शीशी कर दो। चलो अब आपको कुछ खिला दो। हाँ भाई, मुझे कुछ खिला दो। एक तो मेरे को वैसे ही मम्मी इतनी भूख लगी थी, मुझे कुछ खिला दो, मेरे को तो कमजोरी फील हो रही है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, पर फिर भी खिला दो। फिर भी 1 बजे तो तेरे को भूख लग रही थी। आज के लिए नया मेरा देखा कि पहले बोल भी दिया भाई यार इस वीडियो को तुम लाइक नहीं करते, यार वीडियो को लाइक कर दो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैंने इसको जबरदस्ती बोला कि आज तो जल्दी से सो जाए नहीं तो तेरे को भूख लगेगी, बस पानी पी पी के गुजारा करना है तुमने रात को। रात से मन कर रहा था ना तेरा खाने का पाइन एप्पल, स्कून मिल गया। अभी तो जरूरत भी है ना। हाँ, वीकनेस लग रही है। वैसे वीकनेस होना हो तो देख लिया ना भाई, 7 शीशी खून के निकाले। मैंने तेरे को इसलिए बोला था कि मत तो देखना, आंखें बंद रखी। इतना सारा ब्लड निकाला है क्योंकि पूरी बॉडी का टेस्ट करना है। गलती से देख लिया। एक तो वैसे ही रात से बहुत ज्यादा भूख लगी रही थी, उसके बाद सुबह सुबह 8 बजे उठा दिया और फिर इतना सारा खून निकला हुआ देख के मेरा तो ऐसा हो गया भाई, वीकनेस हो रही है सोच में ही। अब हो रही है वीकनेस। पाइनएप्पल खाने से वीकनेस दूर हो जाएगी? दूध पियो। नहीं पिलेंगे, पिलेंगे पहले बहुत सारे पाइनएप्पल खा लूं मैं। ओके। एक तो मैं इतनी नींद में हूं ना कि अभी मैं पता है नींद में भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। ब्रो फॉर रियल, पाइनएप्पल खाया मैंने, उसके बाद मम्मी ने मेरे को सांभर इडली खिलाई है, उसके बाद मम्मी ने मेरे को एक चॉकलेट बार खिलाई है, एंड अब ऊपर से दूध भी बना रही है। केसर बादाम वाला दूध? हाँ सॉरी,
केसर बादाम वाला दूध बना रहे हैं मम्मी. ओके मम्मी, ये मेंशन करना जरूरी है केसर बादाम वाला दूध. पर मम्मी इसकी क्या जरूरत थी? वैसे तो तू दूध पीता नहीं, तेरे को हर टाइम कॉफी चाहिए. हाँ. कॉफी चाहिए होती है. हाँ. हर टाइम. बट कॉफी में भी मिल्क तो होता ही है ना. पर कॉफी इज ए कैफीन. कैफीन तो फिर वो काम करने के लिए, आप ऑफिस वाले बंदे हैं काम करेंगे तो भाई चाहिए है कैफीन. अभी केसर बादाम वाला दूध, इससे एनर्जी आती है. सही में? यस. क्या बात कर रहे हो? यस सच में. मेरे कहने पे चलोगे ना तो ऐसे बॉडी में ताकत आ जाएगी ना. आपके कहने पे चल चल के अदरक जैसा शरीर हो गया. क्या बात है मम्मी, सुबह तेरी हंसी पे मर ही न जाओ. मम्मी क्या बात है, सुबह सुबह के 9 बजे उठा के इतना सारा मेरा खून निकाल के नींद नींद में अब मेरे को पैम्पर करने के लिए केसर बादाम वाला दूध भी पिला रही है. बट फनी बात पता क्या है मम्मी, मेरे लिए ये सब एक सपना चल रहा है अभी. हाँ, तो अभी क्योंकि मेरा सो जाएगा. मेरा दिमाग तो सोया पड़ा है, टेक्निकली तो मैं 22 सोया पड़ू. तो जब मैं सो के उठूंगा मेरे को याद भी नहीं रहेगा कि मैं संजू बाबा की सृष्टि कॉपी कर रहा था. ए, क्या बोलती सर्किट, कैसे बोलती, कैसे बोलती है मुन्ना भाई केसर बादाम वाला गरम, गरम 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 बहुत ज्यादा. पर मैं तो सपने में हूँ, मेरा तो दिमाग सोया पड़े ने, मेरे को क्या पता चलेगा गरम. ठंडा गरम कभी फील नहीं होगा. ठंडा है. एक्चुअली गरम है. One hour later. खाने में आज बन रहे हैं डोसे. इडली बनाई थी, सांभर और चटनी पड़े हुए थे तो मैंने साथ आलू बना लिए और डोसा. बैटर मंगवा लिया ऑनलाइन और बना दिए डोसे. है ना स्मार्ट चॉइस, क्योंकि सारे खुश होके खाते हैं डोसे और सांभर और चटनी भी हमारी यूटिलाइज हो जाएगी. आज आपकी सीट चेंज कैसे होगी भाई साहब? मेरी सीट नहीं चेंज हुई है मेम साहब. हाँ जी, अभिषेक का जो कैमरा था जिससे वो रिकॉर्ड करता है ये वाला जो कि मैंने ही उसको लाके दिया था, ये खराब हो गया है. ओके. इसमें उसको बहुत दिक्कतें आ रही थी तो मैंने अपने लिए एक व्लॉगिंग कैमरा मंगवाया था ये वाला, जो मैंने यूज किया नहीं क्योंकि जब मैंने कैमरा मंगवाया उसके बाद फिर आईफोन 14-15 आ गए. फिर आईफोन पे रिकॉर्ड करने लग गए हम व्लॉग्स वगैरह, तो फिर ये वाला ना यूज नहीं हो रहा था. ओके. तो ये वाला फिर मैंने आपको भी दिया था एक बार, आपको याद होगा तो. मैंने बोला था लो मम्मी इस पे अब आप कर लिया करो व्लॉग. तो ये वाला जो कैमरा है, फिर मैंने अभिषेक को बोला कि अब तू ये छोड़ इस वाले पे रिकॉर्ड कर, तो वो मैं उसको सेटअप करके दे रहा था. रात को वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार उसने वीडियो रिकॉर्ड करी और गायब. तभी 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 मेरे पास आया वो. हाँ. के भाई ये तो मेरे कैमरा चल ही नहीं रहा है, मेरे को बढ़िया सा कैमरा मंगवा दे. मैंने कहा कैमरा तो पड़ा है, कह रहे लगा दे. तो फिर कह रहे कभी स्पेस का इशू हो रहा है, कभी बैटरी का इशू हो रहा है. तो मैंने उसका बैटरी का इशू सॉल्व कर दिया, मैंने इसको डायरेक्ट चार्जिंग केबल के साथ चार्जिंग पे लगा दिया. अब उसको इसको निकालना ही नहीं पड़ेगा, तो हर वक्त चार्ज होता रहेगा. और जो उसका स्पेस का इशू है उसके लिए मैंने एक कैप्चर कार्ड मंगवा दिया. जिन लोगों को इतनी टेक्निकल बातें समझ नहीं आ रही फिर भी समझो, बिकॉज मैं इंजीनियर हूँ, अच्छा लगता है ऐसी बातें करना. तो बेसिकली ये कैमरा पे जो एक कैप्चर कार्ड लग जाएगा, ठीक है, तो एक केबल से सीधा पीसी में कनेक्ट हो जाएगा थ्रू द कैप्चर कार्ड. अब उससे क्या होगा, जो भी वो वीडियो अभी तक सिर्फ कैमरा में रिकॉर्ड करता था, अब मम्मी वो वीडियो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, सीधा इसमें ही होंगी सेव. तो उसको कभी स्टोरेज का इशू नहीं आएगा, समझ रहे हो मम्मी? पीसी में होगी. हाँ, पीसी में तो बहुत सारी स्टोरेज है. पीसी में कितनी स्टोरेज है? पीसी में स्टोरेज है कम से कम 1 TB की. और इसमें कितनी स्टोरेज है कैमरा में? इसमें स्टोरेज है 16 GB की. तो इसमें वो दो वीडियो रिकॉर्ड करता है, कैमरा स्पेस फुल हो जाती है. लेकिन पीसी में तो स्पेस का कभी कोई इशू ही नहीं आएगा. तो वो वाली केबल से जब कनेक्ट हो जाएगा तो उसके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे. भाई हो तो मेरे जैसा, सारा काम कर दिया उसका, वो ऊपर बाल कटवा रहा है. आप तो जीनियस हो, इंजीनियर हो. मैं ऐसी चीजों की वजह से थोड़ा सा वो जाता हूँ ना कि चलो कहीं तो मेरी एक्सपर्टीज है. थोड़ा तो सा वो ऊपर बाल कटवा रहा है, उसको बता देना कि मैंने तेरा सेटअप कर दिया. ओके जी.
फुकरा भाई भाई मैंने आपका कैमरा वहाँ पे कनेक्ट कर दिया, कैमरा चले आया है बैटरी के साथ, एकदम सब सीन सही हो गया, चार्जिंग पे लगा दिया है, एकदम बढ़िया से रहेगा, कल कैप्चर कार्ड भी आ जाएगा, उसके बाद सब कुछ सीधा पीसी में ही आपका रिकॉर्ड होगा। बस एक काम और कर दूँ, हाँ शादी कर लो। देख मैं तेरा इतना प्यारा भाई, तेरे लिए केबल वेबल ढूंढ के, कैमरा ढूंढ के सब कुछ सेटअप वेटअप करा और केबल मंगवा भी दी, तूने बदले में क्या किया? शादी मांगी तेरे से। क्या किया? औतात में बोला नहीं तू? औतात में रह, औतात में। तू औतात में ले ले, वरना बता दूंगा तेरे तो। तीते भैया तौली। तैंतियों बोल, तैंतियों। तैंतियों भैया। तो गाइस आपको पता है मेरे को ना सबसे ज्यादा डर मम्मी के बाद किसी से लगता है, तो वो पता है कौन है? मम्मी। बताओ कौन है, गेस करो कौन है। मम्मी से डर लगता है? मम्मी के अलावा दूसरा किससे डर लगता है? पापा से लगता होगा, मम्मी से तो नहीं लगता। पापा से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता, पापा तो अपने जिगरी बीड़ू हैं। सबसे ज्यादा मुझे डर मम्मी से लगता है। मम्मी के अलावा किससे लगता है? मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि मेरे से डर लगता है तेरे को। और क्या, मम्मी का एक कॉल आ जाए ना रात को 2 बजे तो मेरे को ऐसे हवा टाइट हो जाती है। पापा का कॉल आया तो मैं कहता हूँ अरे भीड़ो आ रहा हूँ ना भीड़ो। अच्छा सुनो, तो मम्मी के अलावा मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है अपनी फैन गर्ल्स से। मेरे को बार बार मैसेज कर करके कपड़े मंगवा नए कपड़े पहन, नए कपड़े पहन। मेरे को इतना एक दिन गुस्सा चढ़ा था कॉमेंट सेक्शन देख के, मैंने पूरी अलमारी बदल दी। तभी मैं कहूँ हर 10 मिनट बाद एक पार्सल आ जाता है अभिषेक जी के नाम का पार्सल, फिर वो रखो, फिर थोड़ी देर बाद अभिषेक जी के नाम का पार्सल ले लेके परेशान हो गई मैं। तुम्हारी कसम, तुम्हारे को इतने कमेंट पढ़ लिया मैंने पूरी अलमारी बदल डाली। ऐसा नहीं कि मेरे पास पुराने कपड़े नहीं है, पुराने कपड़े भी है, बट इतने कपड़े मंगवाए, शॉपिंग जाके करके आया, ऑनलाइन सारी शॉपिंग, जो अच्छा कपड़ा मिलता है ना मंगवा देता हूँ। मैं कहा भाई, वैसे तो आई बिलीव इन रिसाइकलिंग क्लोथ्स, बट अब मैंने बोला कि भाई एक बार थोड़ा वो हो जाता ना, एक लिमिट आ गई कि भाई अब बदल लो कपड़े, तो बस बदल दिए। अब मैं वैसे सारे कपड़े दिखाना तो जाता, ये अभी थोड़े से और आ रखे हैं, बाकी तो अलमारी में थे। अभी आप क्या और है? वो इतना बड़ा पैकेट, वो देखो कैसे उठे मम्मी। इसमें भी कपड़े हैं? यस, अभिषेक जी के नाम का पार्सल है। ओह माय गॉड, और भी पता कितने सारे कपड़े, मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ, रुको, कपड़े ही कपड़े, ये सारे कपड़े आए हैं अभी, सारे बदल दिए हैं हमने। ये थोड़े नीचे वाले पुराने हैं, ये अभी जैसे मैं नहीं लेके आया था, ये मैं नहीं लाया, तो मेरे जॉकी की चड्डी भी लेके आया हूँ। वो सब मत देखो, ये कर दो अनबॉक्सिंग, पर कपड़े दिखा दिया तो मम्मी रिवील मत करना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर इसमें है क्या। चलो दिखाई दो, आधे दिखा देते हैं, अभी वहाँ पड़े हैं ना जो इतने सारे। क्या है इसके अंदर, ये हरे हरे क्या है? ओ भाई ये तो सारे ग्रीन ही ग्रीन, ये क्या? मुझे लग रहा है एक एक कपड़ा दो बार में मंगवा दिया। हाँ, सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, गुड बॉयज गो टू हेवन, बैड बॉयज गो टू बैंकॉक। भाई सारे ग्रीन, चौथा रियाली हो गया। मतलब ऐसा नहीं है, पता नहीं कैसा है, कैमरा बंद करके देखना पड़ेगा, ये तो लग रहा सेम आ गया। बहुत सारे कपड़े हैं उसमें, वन ऑफ मेनी मैंने आपको दिखा दिया। मैंने ये स्कोटल मंगवाया और ऐसे एक चार बॉय वाली भी मंगवाई थी, और देखो मैं यहाँ पर आया ना तो मम्मी क्या सर्च कर रही थी फोन पे, बता दो। जहाँ से तूने कपड़े मंगवाए मैंने कहा मैं भी देखूं हमारे साइज के भी हैं। हाँ, मम्मी देखो, अरे यार तेरे कपड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं भी मंगवा लूं वहीं से। देखो देख कैसे खुश हो रहा है, कैसे खुश हो रहा है। अभी पता क्या है, मैं मम्मी और पापा को 6 दिन के लिए कहीं बाहर लेके जाने वाला हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज ऑल्सो अ सरप्राइज। बाकी अब मैं रेडी होता हूँ, और मुझे 2 घंटे लगेंगे रेडी होने में, क्योंकि फिर मुझे जाना है जिम। देख कैसा खुश हो रहा, देख ये पेन के ट्राई कर के रख दिए, वो कौन करेगा तय? मम्मी मेरे को तय करना नहीं आता, खोलने आते हैं। तय करने भी सीख लो, अब नए घर में अपने अपनी खुद करनी है वार्डरोब मेंटेन। देख कपड़ा एक ही बार पहनेंगे फिर फेंक देंगे, फिर तो उससे क्या होगा, तय नहीं करने पड़ेंगे। तो जब ये नए आएंगे और इनको ट्राई करोगे तो फिर क्या करोगे, नए कपड़े भी फेंक दोगे? चलो ट्राई कर लिए, अब इसको फेंक देते हैं। I'm joking, मम्मी। करो इसको तय करो। आज आप कर दो, कल से मैं करता हूँ। हमारा सोने का टाइम हो रहा है और ये भाई साहब अब तैयार होके ये
जिम अब जाए, तैयार होके कि मैं तैयार, ऐसे तैयार होके घर पे सारा दिन तो बिना नहाए पड़ा रहता है, रात को जिम के लिए ऐसे तैयार हो जाता है। जिम बिना जाए अगला आदमी घर से बाहर निकले, थोड़ा नहा धो के निकले कि कहीं दो चार लोग मिल जाते हैं फोटो फोटो खिंचवा लेते हैं, तो ऐसे थोड़ी कि बनियान में घर में लगा रहता हूँ वैसे ही चला जाऊं। मम्मी का बस चले तो मम्मी का पूरी जिंदगी मुझे बनियान और सैंड वगैरह घूमता रहा सारा, नहा कैसे रहा। मैं तो कह रही हूँ दिन में भी नहा धो के बैठो, इतनी भी मेहनत नहीं कर सकता मैं कष्ट। रात को हमारे सोने का टाइम है और ये देखो बाबू जी पहली बार देखी है। अच्छा ये अशर एक्चुअल में कितना सिमिलर है, ऐसे ही है एक्सप्रेशन इसके। अब तो बड़ा हो गया क्यूड़ी यार, आज हम मिस कर रहे थे अशर को तो हमने वीडियो कॉल भी किया अशर को, हमने कहा अशर अच्छा चलो कि मम्मी भाई जिंदा बाय बाय।